नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वाइट पर। अब कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि SSC बैंकिंग, रेलवे, SSC GD, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस जैसे तमाम एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर। आज हम जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट 39वां कर रहे हैं। इससे पहले की प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। तो पहले तो लिख लीजिए छात्र और कुछ छात्राएं हैं। जहां पे किसी परीक्षा में छात्राओं के द्वारा के प्राप्तों का औसत जो है 12 है, अंक जो है छात्राओं यानी लड़कों ने 12 अंक प्राप्त किए हैं औसतन, और जो छात्राओं के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है वो 14 है, यानी कि लड़कियों ने एवरेज मार्क्स जो है किसी टेस्ट में 14 लाया गया है। यदि कुल प्राप्त अंकों का औसत यानी पूरी क्लास का अगर औसत देखा जाए तो वो 13.1 है, तो हमको ये बताना है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम इसको मिक्सचर एलिगेशन की मदद से कैसे करते हैं, क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है वो हमें बताना है। तो 13.1 में से 12 गया तो ये हमारा कितना आ जाता है, ये हमारा आ जाता है 1.1। अब यहाँ 14 में से 13.1 जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 0.9। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि छात्र की अंक दे रखी है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखी है, यानी कि 9 लड़के हैं। तो इस 0.9 की वैल्यू 9 है तो कितना है ये, 10 गुना। इसी तरीके से यहाँ से लड़कियों की जो कितनी संख्या हो जाएगी वो भी 10 गुना हो जाएगी, तो आ जाएगा 11। तो टोटल संख्या जो हो जाएगी क्लास के कक्षा के अंदर बच्चों की वो कितनी हो जाएगी, इनका जोड़, तो ये कितना आ जाएगा, 20। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तीसरा वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा। ये प्रीवियस सेम क्वेश्चन है, सेम ऐसी क्वेश्चन निकालना है मिक्सचर और एलिगेशन से। तो इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। पहले से ही आंसर को हॉट लाइक मिल जाएगा जिससे कि आगे आंसर करने वाले बच्चों को उसका सही जवाब पता हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 छात्रों का एक समूह था, ठीक है, जिसने परीक्षा दी। बाद में परीक्षा देने के बाद मान लेते हैं 6 छात्रों का एक समूह था, तो इसमें हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एवरेज लिख लेते हैं उनका, तो एवरेज कितना है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सम लिख लेते हैं सम, ठीक है ना, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एवरेज जो होता है वो सम ऑफ नंबर्स है ना, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो जब हम सम निकालते हैं वो एवरेज और नंबर का गुणा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बाद में परीक्षा देने के बाद एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, तो मान लेते हैं अब कितना 7 हो गया, छात्र हो गया 7। अंकों को शामिल करने से समूह का औसत अंक 3 बढ़ गया, सॉरी 3 बढ़ गया, तो यानी कि पहले हमें नहीं पता था औसत कितना था, अब लेकिन 3 बढ़ गया, तो यहाँ पे सम कितना हो गया 6x, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा ये 7x+21, ठीक है ना। तो इस छात्र को उसके बिना औसत अंकों से डैश अंक अधिक मिले, तो यानी कि ये बताना है कि एवरेज अंक जो थे पहले उससे उस छात्र को कितने अंक ज्यादा मिले। तो देखो सबसे पहली बात तो आंसर यहीं पे निकल गया कि उसको ये 21 अंक ही मिले होंगे। कैसे, कि देखो उसके ऐड होने से 6 पहले नंबर थे छात्र थे, अब कितने हो गए 7, तो 1-7 छात्र की ऐड होने से कितने एवरेज में कितने का फर्क आया, 3 का, तो यानी कि अब ये 3 का फर्क कितने पे गया होगा, 7 पे, तो 7 + 21 यानी कि उसका 21 ज्यादा नंबर होगा पहले वाली एवरेज से, ठीक है। पहले जो एवरेज एक्स था उससे 21 नंबर ज्यादा होगा। अब कैसे, देखो मान लेते हैं क्या एवरेज कितना हो गया, अब ये 7 बंदों का एवरेज हो गया छात्रों का x+3, तो उसका सम कितना हो गया 7x+21। अब इसमें से माइनस कर देते हैं पुराना वाला, ये आ गया पुराना वाला, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये आ जाएगा x+21। यही जो होगा ये मार्क्स हो जाएगा किसका, ये 7th स्टूडेंट का मार्क्स हो जाएगा, जो 7वां बंदा छात्र जो है क्लास के अंदर आया, यही उसका मार्क्स हो गया, यानी एवरेज से 21 ज्यादा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमेशा याद रखिए कि जो एवरेज होता है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या 6 बोला गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे जो एवरेज था वो सब एक्स 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 था, सबका मान लेते हैं क्या कि औसतन मार्क्स सबने एक्स 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 लिया, लेकिन जब ये 7वां बंदा आया उससे एवरेज में 3 का फर्क आ गया, तो यानी कि इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3 बढ़ गया, इधर भी 3 बढ़ गया, और इधर भी अगर एक्स रहा होगा तो ये कितना बढ़ गया इसका 3, हम ऐसे इसको बोल सकते हैं एवरेज हो गया। अब वो कितना हो गया x+3, तो यानी कि सबका x+3 x+3 एवरेज हो गया, तो यानी कि ये जो एक्स्ट्रा नंबर आए हैं ये 3, 3, 6, 3, 9 है ना, और ये 3, 3, 9, 3, 9 और ये 3, 21, ये जो एवरेज नंबर आए एक्स्ट्रा एवरेज 21 आया, 21 नंबर ये किसकी वजह से आया, ये 7वें नंबर की वजह से आया।
तो यानी कि एवरेज यानी एक्स तो उसके मार्क्स रहे होंगे और ये 21 मार्क्स जो एक्स्ट्रा आए हैं वो इसी की वजह से आए हैं। तो इसका टोटल एक्चुअल मार्क्स देखा जाएगा तो वो कितना होगा, एक्स प्लस 21। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा, डिटेल में समझाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 10 पारियों के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर कितना था, 52। देखिए मान लेते हैं, क्या यहाँ पे लिख लेते हैं हम इनिंग, है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एवरेज स्कोर, ठीक है। अब देखिए 10 इनिंग में उसका स्कोर कितना था, एवरेज 52 था। अब उसने क्या करा, 12 पारियों के बाद औसत बढ़कर हो गया 54। तो यानी कि 2 पारियां उसने एक्स्ट्रा खेली, अब उसका औसत कितना हो गया, 54। उसका औसत हो गया 54। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसकी 11वीं पारी में कितना रन, यानी कि हमें ये बताना है कि 11वीं पारी में कितना रन बनाया होगा उसने यदि 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए। तो देखिए यहां से यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहां से यहां पे भी कितने का, 2 का बढ़त आ रही है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में करते क्या, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि हम इस 2 को जो है इससे गुणा कर लेंगे, ठीक है, फिर हम इस 2 को जो है इससे गुणा कर लेंगे। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा इनिंग खेली है उसका सम आ जाएगा, उसने कितने रन मारे, तो टोटल रन इन 11 प्लस 12 इनिंग के अंदर आ जाएंगे इसके, ये टोटल रन इसने 2 इनिंग में कितने मारे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे साइन भी हमको लिखना है क्योंकि वो क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, ये भी यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, तो साइन भी हम लिखेंगे। तो देखिए 10 गुना 2 प्लस, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 54, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 20 और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 108। तो हम इसको लिख देंगे 128 रन है जो उसने 2 इनिंग के अंदर मारे। अब देखिए क्या बात होती है कि 128 में, है ना, 128 में से 11वीं इनिंग और 12वीं इनिंग, ठीक है। अब 12वीं इनिंग में उसने 16 रन एक्स्ट्रा मारे हैं तो 128 में से 16 गया तो कितना बच जाएगा, ये हमारा 102, है ना, 112 हो गया। 128 में से 16 रन तो उसने एक्स्ट्रा मार दिए कितने, 12वीं इनिंग में, तो बचा कितना, 112। तो अगर हम इसका आधा आधा देखें तो यानी कितना हो गया, 56 प्लस 56, यानी कि 12वीं इनिंग में तो उसने कितने रन मारे होंगे, उसने 72 रन, और 11वीं इनिंग में उसने कितने मारे, 56। तो यही इसका सही उत्तर हो गया। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी 56 इसका सही आंसर है कि 11वीं इनिंग में उसने 56 रन मारे। ये एक मेथड है, ट्रिक जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए कि हम वो टोटल जो है इनका मल्टीप्लीकेशन करें सबसे पहले। अब यहाँ पे तो थोड़ा इजी था कि ये 10 था तो 520 हो जाएगा, 12 से इधर आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको माइनस करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये जब कैलकुलेशन यहाँ पे मान लीजिए 19 हो जाए या फिर 17 हो जाए, यहाँ पे 23 हो जाए, तब क्या करेंगे, तब के केस में जो है ये छोटा डिफरेंस निकालने पे छोटा नंबर आ जाता है तो मल्टीप्लीकेशन में आसान होता है, इसीलिए हमने ये मेथड अप्लाई किया। आप इस मेथड को दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई कीजिएगा, सेम इसी मेथड, इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन होते हैं, इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पहले 100 नेचुरल नंबर का औसत निकालना है। तो देखिए सम जो होता है n नेचुरल नंबर का, है ना, नेचुरल नंबर्स का, वो क्या होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1, है ना, सम ऑफ n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना, उसका अगर हम सम देखें तो वो कितना होता है n इंटू n प्लस 1। अगर हम इसका एवरेज निकाल लेंगे तो वो कितना सम होता है इसका, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका एवरेज अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा इसका एवरेज, इसका एवरेज हो जाएगा, ये तो सम हो गया और नीचे नंबर से डिवाइड करना होता है, तो ये n से n कट गया तो इसका एवरेज आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 100 नंबर का पूछ रहा है तो 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50.5, ठीक है। आशा करता हूं समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 4 नंबर दे रखे हैं कि उनका ओवरऑल एवरेज तो कितना दे दिया है, 16। 4 नंबरों का ओवरऑल एवरेज कितना दे दिया है, 16। अब ए बी का एवरेज जो दे दिया वो 9.5। तो देखिए क्या है, ए प्लस बी का एवरेज औसत दे रखा है 9.5। हमें सी प्लस डी का एवरेज निकालना है जो कि नहीं पता, ठीक है। अब सबका जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 16, ठीक है ना, पूरा चारों का। तो अब देखिए यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है, जब हम इनका औसत लेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो जब हम 16 में से 9.5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 16.5 और ये 6.5, ठीक है, 6.5 आ गया। तो ये भी हमारा 6.5 आएगा। अब जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो अब यहाँ पे ये नंबर बड़ा आएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 22.5 में से 16 माइनस करेंगे तो 6.5 आ गया, क्योंकि एक की वैल्यू 6.5 है तो इधर की भी वैल्यू 6.5 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी और डी का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 22.5। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि मिक्सर एंड एलिगेशन के अंदर, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि मिक्सर और एलिगेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम लगाते हैं तो उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उस फॉर्मूले में, देखिए कैसे, कि जो एवरेज निकालते हैं, एवरेज जो होता है वो सम अपॉन नंबर्स के होता है ना, यहीं पे जो नीचे जो आता है ना यहाँ पे, ये हमेशा नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये जो आएगा ये हमेशा क्या होगा, नंबर्स होगा, ठीक है ना।
अब अगर इस फॉर्मूले को हम जो है स्पीड वाले फॉर्मूले में लगाएं, मान लेते हैं स्पीड वाले फॉर्मूले में लगाएंगे, तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये जो नीचे आएगा ये टाइम आएगा, है ना, हमेशा डिनोमिनेटर वाली चीज जो फॉर्मूले में होती है ना वही नीचे हमारी आती है। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर निकालेंगे लगाएंगे तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, है ना, मुनाफा अपॉन क्रय मूल्य। तो ये जो नीचे आ जाएगा ये हमारा क्रय मूल्य आएगा, ठीक है ना। लॉस में लगाएंगे उसमें भी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अगर हम डिस्काउंट में निकालते हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। तो नीचे जो आएगा हमारा वो क्या होना चाहिए, मार्क प्राइस का अनुपात रेशियो आएगा। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि जब अगर हम एवरेज में लगा रहे हैं तो नीचे क्या है, वो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ए और बी दो नंबर थे और सी और डी दो नंबर थे, तो जब इनका अनुपात लेंगे तो एक अनुपात एक हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 छात्रों के समूह के प्राप्त अंकों का औसत जो है 20 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं क्या कि 10 छात्रों ने इनका एवरेज आया है 20, तो इनका सम कितना आ जाएगा हमारा 200, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, अब आगे कहता है कि यदि समूह में से एक छात्र निकला जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए अब एक छात्र निकल गया तो शेष कितना बचा, 9। अब 9 का एवरेज कितना हो जाता है 21। तो यहाँ पे अगर हम इनका सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 189, ठीक है ना। तो हमको ये बताना है क्या कि पुनः एक छात्र शामिल होने पर प्राप्त अंकों का औसत घटकर 20.6 हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या कि यहां से जो छात्र निकल गया है ना, लेफ्ट जो चला गया उसको निकाल लेते हैं, उसका कितना अंक होगा, तो 200 में से 179 चला गया, है ना। तो ये हमारा कितना बच गया, 11। तो लेफ्ट जो चला गया उसका अंक कितना था, 11। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया फिर से कि फिर से उसने जो 10 लोगों का एवरेज हो गया, क्योंकि फिर एक आगे नहीं है, तो एवरेज कितना हो गया 20.6, है ना, 20.6। तो अब जो है एवरेज कितना है यहाँ पे, अगर इनका सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 206। तो यानी कि जो एड हुआ है उसके अंक कितना हो जाएगा, उसका अंक निकालने के लिए अगर हम इसको 189 में से 206 को करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 17, है ना। 206 में से अगर 189 को जब हम माइनस कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा 17। तो जो एवरेज आ जाएगा किसका, जो छोड़ के गया है प्लस जो आया है उसका, उसे डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 11 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 28, है ना। 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 14। तो इसका एवरेज जो आगे क्या आगे 14, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत जो है 15 दे दी है ना। तो मान लेते हैं क्या कि कोई एक समूह है जिसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो संख्या थी उनका जो एवरेज है वो 15 दे दिया, जबकि समूह की 13 संख्याओं का औसत कितना है, 17। यानी कि टोटल जो संख्या थी उनका सबका औसत क्या है, 17। तो ये हमें बताना है सभी बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या। तो देखिए 8 संख्याओं का औसत यानी कि लंबी लार्जेस्ट, या फिर ये बोला जाए जो सबसे बड़ी संख्या है, ये इनका एवरेज कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स आएंगे। अब नंबर्स क्या है, छोटी 5 है और बड़ी कितनी है, 8, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 17 में से 15 गया तो यानी 2, है ना, 2। तो इस 8 की वैल्यू 2 गुना 2 हो रही है, तो यानी कि ये कितना गुना हो रही है, ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है 0.25 टाइम्स हो रही है, 8 की वैल्यू 2 हो रही है तो 0.25 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो गया 0.25 टाइम्स। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.25, ठीक है ना। अब ये बड़ा था इसमें से हमने माइनस किया, तो यानी कि अब वैल्यू जो होगी वो 15 से बड़ी और 17 से कम आएगी। तो ऐसी क्या वैल्यू रखें यहाँ पे हम 17 से बड़ी, जो कि माइनस करने पे 17 1.85 आए, तो हमें साफ दिख रहा है कि ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18.25, है ना। तो यानी कि अब क्या हुआ कि 15 और 18.25 के बीच में जो है टोटल एवरेज रहता है, तो ये हमारा 17। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18.25 लार्जेस्ट नंबर जो थे बड़ी संख्या है 8 उनका औसत है। तो इसका सही उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के अंक का औसत 60 दे दिया, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी हम एक नए तरीके से करेंगे, कैसे, 25 जो संख्या है उनका एवरेज कितना दे रखा है हमको, एवरेज दे दी है नंबर्स को अगर हम मान लेते हैं क्या, 60, ठीक है ना। पहले 13 विद्यार्थियों का, है ना, पहले 13 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है, 40। अंतिम 13 का कितना है हमारा, 50। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन जिसके अंदर एक नंबर रिपीट कर रहा होता है, अब जैसे यहाँ पे 13वां नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है ना, 13 नंबर जो है हमें रिपीट कर रहा है यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये वाला मेथड हम लगाएंगे, कैसे। अब देखिए यहाँ पे ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये एवरेज से 10 ज्यादा है ना, और कितने पे, 13 लोगों पे। ये एवरेज से कितना कम है, 10 कम है, कितने पे, 13 लोगों पे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 130 प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में 130, ठीक है जी। अब हमारे को क्या बोल रहा है कि तो आरोही
क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक को ज्ञात कीजिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। जब हम इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो हमको मिडल वैल्यू निकालनी है हमको, है ना, मिडल वैल्यू जो कि ऑलरेडी वो क्या होती है, अगर 25 है तो उसमें मिडल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 13वीं, है ना, 25 है तो हमारी मिडल वैल्यू हो जाएगी 13। तो ये जो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ पे मिडल वैल्यू रिपीट कर रहे तो वहाँ पे ये मेथड लगाएंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो 13th नंबर है वही आएगा। तो ये 13th नंबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 13th नंबर आ जाएगा हमारा जो ये एवरेज है, ये एवरेज के ऊपर जो हमारी ये हलचल हुई है डिफरेंस की वो हम कर देंगे। देखिए पहले तो 130 प्लस हुआ फिर माइनस 130, ठीक है, तो ये 130 से 130 चला गया, तो एवरेज कितना क्या नाम है 13वां नंबर कितना आ गया 60, तो यही है हमारी क्या 13th नंबर। तो ये जो ऑप्शन इसका डी है ये सही आंसर हो जाएगा 60। अब देखिए इसको अगर हम चाहें तो जो हमारा बेसिक मेथड है उससे हम कर सकते हैं कैसे, देखिए 25 नंबरों का जो एवरेज है वो 60 है, तो इनका अगर हम सम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1500, ठीक है ना, ये सम हो गया। इसको मैं अलग कर देता हूँ, मेथड ये अलग मेथड है, ठीक है, तो 25 नंबर का जो सम आ गया वो इतना आ गया। अब शुरुआती 13 नंबर है इसका एवरेज कितना है हमारा, ये आ जाएगा हमारा कितना, इसको जब हम इसका सम निकालेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 91, ठीक है ना, तो 13 से 91 होता है ना, तो ये हो गया। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, ये इधर से चला गया, ये इधर से चला गया 14, ये कितना बच गया 590, ये 590 हमारा बच गया, ठीक है। तो लास्ट पे जो हमारा 13 नंबर आया उसका एवरेज कितना दे रखा है, वो हमको एवरेज दे रखा है 50, तो इसका सम अगर हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 560। अब इस 560 में से अगर हम 590 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60। यही क्या है, क्योंकि जो नंबर थे उसके अंदर ये 13वां नंबर था वो इस साइड से भी काउंट हो गया था और इस साइड से भी काउंट हो गया था, तो जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, तो यही हमारा क्या है 60। तो यही आंसर आया हमारा 60, दोनों ही मेथड सेम है, इसी मेथड से ये मेथड आया। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई नहीं किया जाता बड़े नंबर को, तो छोटे नंबरों में उनको ले लिया जाता है, इनका डिफरेंस जो आता है हमारा यानी कि वो एवरेज के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है कि एवरेज से कितना बड़ा है कितना कम हुआ है बाकी नंबर, तो वो फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये 13वां नंबर क्या है 60, तो इसका सही उत्तर डी। दोनों ही तरीके से बता दिए आपको, जो तरीका आसान लगे और समझ आया उससे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला है, कंक्लूजन नहीं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये कहते हैं कि तीन नंबर है एक्स वाई जेड जिनका एवरेज जो दे दिया है 180, तो हमें ये बताना है कि एक्स का मार्क्स क्या होगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि वाई और जेड जो है एक साथ जो है 50 स्कोर करते हैं, कितना एक साथ 50 स्कोर करते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एक्स और जेड जो है एक साथ 60 मार्क्स स्कोर करते हैं, तो अभी कौन सी स्टेटमेंट सफिशियंट होगी, योग्य होगी इसका आंसर देने के लिए। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का औसत अगर देखा जाए वो 180 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, तीनों का इनका सम कितना हो जाएगा 540, ठीक है ना। अब यहाँ पे x का स्कोर निकालने के लिए हमें y और z का ही पता होना चाहिए, तो ऑप्शन स्टेटमेंट वन से हम निकाल सकते हैं x का स्कोर, तो ये आ जाएगा हमारा 540, तो x का स्कोर कितना आ जाएगा 490, है ना, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें x प्लस जेड को अगर हम डाल देंगे तो y का स्कोर आ पाएगा, x का स्कोर नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए क्या है कि एक अकेला प्राप्त है जबकि दो अकेला प्राप्त नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन स्टेटमेंट वन ही जो है इसका आंसर दे सकती है, टू नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एवरेज एज 6 फैमिली मेंबर की वो क्या है 25 साल, जिसमें से सबसे छोटा जो सदस्य है उस परिवार का वो 8 साल है, तो हमें ये बतानी है कि उसके जन्म से ठीक पहले इस परिवार की एवरेज एज क्या थी। तो देखिए 6 मेंबर्स की एवरेज एज कितनी है, वो एवरेज एज है 25 साल, ठीक है ना। तो अब कितने हो जाएंगे ये 5 मेंबर, तो 5 मेंबर हो गए ना, तो 5 मेंबर इसका सम अगर हम देखें तो इनका सम हो जाएगा 30, 12 और 3, 15, यानी कि 150 साल, कितना हो गया ये 150 साल जो है इनका टोटल एज हो गई 6 के 6 मेंबर की। लेकिन अब इस 5 मेंबर का हमें निकालें तो 8 साल पहले की बात करनी है, तो अब इन 6 के 6 में से 8 साल सब में से घटाने पड़ेंगे, तो 6 × 8, तो यानी कि ये 8 साल सब में से घट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 48, तो ये कितना माइनस करना पड़ेगा हमें इनमें से 48 साल, तो ये कितना आ जाएगा 102 साल, ठीक है। अब इस 102 साल को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं एवरेज निकालने के लिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20.4 ईयर्स, है ना, तो 20.4 साल जो है इनकी औसत एज हो जाएगी 8 साल पहले इस फैमिली मेंबर की, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर अभी तक आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 25 छात्रों की एक कक्षा के भूगोल परीक्षा में औसत अंक 64 है, यदि 3 छात्रों के वास्तविक अंक 54, 64 और हमारा 67 के बजाय जो है 44, 46 और 61 के रूप में पढ़े गए थे, तो सही औसत ज्ञात करनी है। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, 25 स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है ना, 25 स्टूडेंट का जो एवरेज है
वो कितना दे रखा है हमको, 64 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इनके जो नंबर जो ऐड किए गए थे वो कितने किए गए थे, 44, 46 और 61। ठीक है, लेकिन उन्हें करने कितने थे, उनको करने चाहिए थे हमको 54 हमारे, है ना, 64 और 67 ये नंबर ऐड करने चाहिए थे, इसकी बजाय उन्होंने ये ऐड कर दिए। तो इनका अगर हम सम देखेंगे, इनका सम आ जाएगा हमारा 151 और इनका सम आ जाएगा हमारा 185, यानी कि कितना डिफरेंस आ गया हमारे पास, इनका 34 का डिफरेंस, यानी कि 34 नंबर जो है कम ऐड किए हैं पहले, तो अब क्या होगा, 34 नंबर और ऐड होगा, क्या होगा, 34 नंबर ऐड हो जाएगा। तो यानी कि पहले जो एवरेज थी वो 64 तो रहेगी रहेगी, अब जो है नंबर ऐड हो रहा है तो एवरेज बढ़ेगी, जब एवरेज बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी वो हम देखते हैं। तो देखिए 34 नंबर जो है ये कितनों पर डिवाइड होंगे, ये 34 नंबर हमारे 25 के 25 स्टूडेंट पे डिवाइड हो जाएंगे, है ना, थोड़ा 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 थोड़ा। तो देखिए ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 25 से एक बारी में चला गया, फिर उसके बाद ये हमारा 3 बारी में पॉइंट लगाने से, और ये 6 बारी में, यानी कि जो एवरेज अब हो जाएगा पूरी क्लास का, जब ये नंबर चेंज किए जाएंगे, सही नंबर ऐड किए जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा 65.36, है ना, ये इसका सही एवरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 65.36। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 6 संख्या जो है ए बी सी डी ई एफ का औसत जो है 58 है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, कि मान लेते हैं क्या ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है ना, तीन तीन 6, तो इस 6 संख्या का जो एवरेज दे रखा है वो 58 दे दिया। तो ए बी सी डी ई एफ इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा 58 टाइम 6, तो इसका आंसर कितना होता है, ये मतलब इसका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 340 है, 348, ठीक है ना, इनका सम हो गया, ये जोड़ हो गया इनका, ये होगा 6 के 6 नंबर का 348, ये इनका अंक हो गया टोटल, क्या है संख्या का, ठीक है ना, 6 संख्या का योग। अब यहाँ पे क्या कहता है ये देखिए, यहाँ कहता है यदि पहली संख्या ए संख्या बी और सी के योग के 2/5 है ना, तो ए जो है वो किसके 2/5 है, किसके बी और सी के, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी प्लस सी जो है वो 2/5 हो जाएगा। इसी तरीके से ए जो है 3/4 है, किसके बी और साथ ही में संख्या डी ई एफ के योग के 3/4 है, तो ए जो है डी ई और एफ के योग के 3/4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बटे डी ई और एफ इसका 3/4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए यहाँ 2 हो रहा है और यहाँ 3 हो रहा है, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं, यहाँ हम ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6/15, यहाँ कितना हो जाएगा ऊपर नीचे 2 से गुणा करने से, तो ये हो जाएगा हमारा 6/8, ठीक है ना जी, ये हो गया। अब देखिए इस हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का कितना योग बन रहा है, तो ए देखिए यहाँ पे आ रहा है 6, बी और सी का योग आ रहा है हमारा 15, और डी ई एफ का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 8, तो इसका योग अगर देखिए हम ऐड करके, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 29, ठीक है ना। इस 29 की जो वैल्यू दे रखी है हमको क्वेश्चन के हिसाब से, वो कितनी आ गई है हमारे 348, कितनी आ गई है 348, तो ये हमको सीधा सीधा दिख रहा है क्या कि ये कितने गुना है, ये हम सीधा सीधा देख रहे हैं ये 12 गुना है, कितने गुना 12 गुना। तो अब ये क्या पूछता है कि हमें सम बताना है बी और सी का, तो बी और सी का सम भी तो कितना हो जाएगा 12 गुना, 15 की वैल्यू 12 गुना, तो 12 को अगर 15 से करेंगे तो सीधा ये कितना आता है हमारा 180, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 180 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी छात्रावास में 40 छात्र हैं। देख लीजिए हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ हम स्टूडेंट लिखते हैं, कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना जी, तो अगर हम ये छात्र स्टूडेंट मान लेते हैं 4, है ना। अब इनका पर डे अगर हम ये देखें कि इनका जो क्या लिखा है आगे इंक्रीजेस बाय, तो अगर हम इस पर स्टूडेंट एवरेज एक्सपेंडिचर, है ना, अगर हम ये देखें एवरेज एक्सपेंडिचर पर डे की अगर हम बात करें, यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सम, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें कॉस्ट ऑफ मेस इंक्रीजेस बाय पर डे, तो मेस की कॉस्ट पर डे के हिसाब से यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक छात्रवास में 40 छात्र हैं, यदि 5 नए छात्र रहने के लिए आ जाते हैं तो मेस का व्यय प्रतिदिन ₹48 बढ़ जाएगा, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय जो है ₹2 कम हो जाएगा, तो मेस का मूल व्यय कितना था। देखिए मान लेते हैं क्या होता है कि प्रतिदिन जो प्रतिदिन का जो एवरेज खर्च था मेस का वो क्या था, 40 स्टूडेंट पे एक्स था मान लेते, अब 5 नए छात्र आ गए यानी कि 45 हो गया, तो जो इनका एक्सपेंडिचर था प्रतिदिन का वो कितना हो गया ₹2 से कम हो गया, कितने ₹2 से कम हो गए। तो देखिए अगर पर डे का जो कॉस्ट है एक बच्चे का ₹X था, अब ₹2 कम हो गया, तो जो पर डे का जो एक्सपेंडिचर था वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 40X दोनों का गुणा हो जाता है ना, जैसे कि मैंने बताया था क्या कि जो एवरेज होता है वो सम अपॉन क्या होता है नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे भी कितना हो जाएगा ये 45X-2, तो ये कितना हो जाएगा 45X-90, ये हो गया। अब देखिए जो इसका डिफरेंस आया यानी कि इन खर्च का जो डिफरेंस आया क्या 45X-90,
माइनस 40x, ये किसके बराबर आ गया, ये 48 रुपए के, यानी कि एक दिन का जो खर्चा था पूरे मेस का वो क्या हो गया है, वो 48 रुपए के हिसाब से बढ़ गया। तो यानी कि बढ़ गया, तो यानी कि कब बढ़ा होगा, जब भी 5 ऐड हुए, तो जब भी 5 ऐड हुए तो सम आया इतना, माइनस कर देते हैं पहले हमने जो माना था 40x में से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5x माइनस 90 इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से 5x कितना आ जाएगा, ये 90 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 138 हो गया। तो x की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से तो कितनी आ जाएगी, 27.6। तो ये क्या है, एवरेज एक्सपेंडिचर पर डे मेस का। तो अब ये क्या कहता है, ये कहता है व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, यानी कि पहले कितना खर्चा था मेस का एक दिन का, अगर हम देखें तो वो कितना आ जाएगा 40 × 27.6, क्योंकि ओरिजिनल यही था। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1104। ठीक है, सीधा सीधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1104 रुपए जो था ओरिजिनल खर्चा था मेस का। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर सॉल्यूशन फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और सॉल्यूशन दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि क्रमशः 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। देखिए सबसे पहले इसको हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 3 3, ये 3 नंबर हो गए है ना, ये सारे ऑड नंबर है। अब इनका एवरेज, अब इसका एवरेज क्या होता है, जब इवन नंबर होते हैं तो इनका, अगर इवन नंबर है तो इनका जो एवरेज होता है वो ये तीसरा नंबर और 6 प्लस 1 अगर हम देखें, 6 प्लस 2 अगर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 8, तो ये 8 का एवरेज कितना हो गया 4, यानी कि दो इन दोनों का एवरेज होता है, तीसरे नंबर और चौथे नंबर का एवरेज होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो तीसरा और चौथे नंबर का जो एवरेज आएगा वो ये मिडल वैल्यू आएगी इनके, तो ये जो मिडल वैल्यू है ये इनका औसत है, यही एवरेज है, ठीक है ना, औसत। तो ये कितना दे रखा है हमको, 68 है ना, 68। अब देखिए अगर ऑड नंबर की बात हो रही है तो 68 से 68 से पहले एक ऑड नंबर कितना आता है, 67, और ये आ गया हमारा 69 है ना, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि हमको उच्चतम और न्यूनतम संख्या के बीच के अंतर का घन कितना है ये बताना है, क्यूब बताना है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या के क्या नाम है अंतर का। तो यहाँ 67 हो गया, ये 65 और ये 63, इसी तरीके से ये हमारा कितना हो गया 71 और ये हमारा हो गया 73। अब इसका और इसका डिफरेंस कितना हो गया 10, और इसका घन अगर बोला जाए तो कितना आ जाएगा 1000। तो सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 1000। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए इसको हम वेटेड एवरेज से करेंगे है ना, वेटेड एवरेज एक मेथड होता है, उस मेथड से अब हम ये सारे 3 क्वेश्चन मैंने जो है आगे के वो इसी मेथड पे समझाने के लिए लिए हैं। देखिए क्या कहता है कि सबसे पहले ये जो है आई थिंक ये वाला नहीं है, ये एवरेज, हाँ ये भी शायद उसी का, हाँ एक सेकेंड, ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले जो है ना मैं आपको ये आगे के 3 क्वेश्चन कराता हूँ, पहले ये 3 क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि आपको वेटेड एवरेज का मेथड जो है समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है कि कक्षा एक्स के सेक्शन ए में 25 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 47 यानी कि 47 है। देखिए कितने नंबर्स लिख लेते हैं पहले हम, यहाँ नंबर है ये एवरेज, ठीक है ना, ये नंबर होगा ये एवरेज। तो पहले सेक्शन ए में कितने हैं 25, इनका एवरेज कितना दे रखा है 47। अगले जो सेक्शन बी है उस सेक्शन बी में फिर 25 स्टूडेंट यानी विद्यार्थी हैं और उनका एवरेज औसत कितना है 51। सेक्शन सी के अंदर जो है 30 है और उनका एवरेज कितना है 53, ठीक है ना। हम चाहे तो इसको हम काट लेते हैं, 5 से ये 5 बारी में चला जाएगा, 5 से ये 5 बारी में, 5 से ये 6 बारी, ठीक है। अब हमें जो है पूरे पूरी क्लास का तीनों सेक्शन जो है क्लास एक्स का क्लास टेंथ के जो है तीनों सेक्शन का एवरेज हमें निकालना है। अब देखिए इन तीनों का एवरेज हम कैसे लेंगे, अब यहाँ पे सबसे कम से कम वैल्यू है 47 और सबसे ज्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यू है 43, तो जो एवरेज आएगा वो इन्हीं के बीच में आएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो एवरेज है वो हम 50 मान लेते हैं, ठीक है जी, 50 एवरेज हमने मान लिया। अब ये देखिए 50 से ये कितना कम है, ये 50 से 3 कम है और कितने विद्यार्थियों पे कम है 5 पे, ये 50 पे जो है कितना ज्यादा है ये 1 ज्यादा है लेकिन कितने विद्यार्थियों पे ये 5 पे। अब ये 50 पे कितना ज्यादा है ये 3 ज्यादा है लेकिन 6 विद्यार्थियों पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि एवरेज में भी सेम यही चीज होगी, सेम जो यहाँ ऑपरेशन हो रहा है ना वही होगा, कैसे कि ये देखिए कितना ये -15 एवरेज में, ये +5 और ये कितना हो गया +18। ये जो चेंज आया है जो हमने एवरेज माना था उसमें ये जो चेंजेस आया है ये चेंज जो है सभी पे बढ़ जाएगा, सभी नंबरों पे, कितने पे 5 और 5 10 और 6 16, तो यानी कि ये 16 नंबरों पे बढ़ जाएगा। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो 15 में से 5 गया तो बच गया 10, वो भी माइनस का, +8 तो यानी कि बच गया क्या 18 प्लस 18 करेंगे तो देखिए कैसे ये हो गया, 15 में से 5 गया तो 10 बचा वो भी माइनस का और +18 यानी कि +8 बचा। अब ये +8 बचा 16 पे, 8 से ये 1 बारी में ये 2 बारी में, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 हमारा 0.5,
तो जो एवरेज आ गया पूरी कक्षा का वो कितना आ गया 50.5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाता है, ये वेटेड एवरेज है। इसी मेथड से आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, नहीं तो इसकी कैलकुलेशन ही करते आप रह जाएंगे कि पहले इस 25 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 को 51 से करेंगे, फिर 30 को जो है 53 से करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे किससे, ये हमारा 25, 25, 32, 80 से, है ना। इन सबका प्रोडक्ट हम इसको अगर एवरेज निकालना जाए तो ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है 25 गुना 47, फिर 25 गुना 51, फिर आ जाता हमारा 30 गुना 53, फिर इसको हम भाग देते किससे, 80 से। ये ऐसे नंबर आता हमारा। अब इसको कैलकुलेट करने में तो हमारा कितना टाइम लगेगा, ये तो सिखाने के लिए जो है इतना टाइम लगा, लेकिन ये इतना टाइम लगता नहीं एग्जाम के अंदर अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो ज्वाइंट फैमिली के अंदर एवरेज एज है ग्रैंड पेरेंट्स की, देख लीजिए क्या एवरेज एज है ज्वाइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स की, दादा दादी जिसे हम कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु जो है 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, और तीन पौत्री यानी डॉटर की ग्रैंड डॉटर की औसत आयु 6 वर्ष है। देखिए क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या नंबर्स लिख लेते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स की अगर बात करें तो दादा दादी 2 हो गए, पेरेंट्स की बात करें ये भी 2 हो गई, और डॉटर्स की बात करेंगे तो ये भी 3। तो ये ऑलरेडी क्या है प्राइम नंबर यानी लिस्ट में, तो इनकी एवरेज अगर एज की बात की जाए तो ये 67 है, इन दोनों की माता पिता की 35 है, और तीनों ग्रैंड डॉटर्स की 6 वर्ष है, ठीक है। अब हमें पूरे परिवार की औसत आयु निकालनी है, ठीक है ना, पूरे परिवार की हमें औसत आयु निकालनी है। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं क्या, जो कि 6 से बड़ी और 67 से छोटी होनी चाहिए, इसके बीच की। तो ऐसा करते हैं कुछ ऐसा ही नंबर मानते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। तो हम ऐसा मान लेते हैं 30 नंबर, जो 6 से बड़ा और 67 के बीच में। तो अब ये देखो ये 30 से कितना ज्यादा है, ये 30 से 37 ज्यादा है, कितने पे, 2 ग्रैंड पेरेंट्स है दादा दादी 2 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे ये 5 ज्यादा है ना, कितनों पे, 2 पे, और ये देखा जाए तो ये 24 कम है कितनों पे, ये 3 पे, ठीक है ना। ग्रैंड डॉटर्स कितनी है, 3, तो ये 24 कम है कितनों पे, 3 पे, क्योंकि ग्रैंड डॉटर हमें 3 दे रखी है, चलिए। तो अब इसको जब हम देखेंगे तो इसको जब हम गुणा करेंगे 37 गुना कितना हो जाएगा, ये हमारा +74, ठीक है। अब यहाँ पे +10 और 24 को 3 से इंटू करेंगे तो ये हमारा 72, लेकिन ये 72 माइनस में क्योंकि ये 24 कम है, तो अब यहीं पे सेम ऑपरेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अंदर क्या है, 74 +10 -72, अब ये बट जाएगा कितनों पे, ये बट जाएगा 3, 2, 5 और 2, 7 पे, क्योंकि टोटल फैमिली मेंबर कितने, 7 है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 30 हो गया, तो देखिए 74 में से 72 गया, बचा 2, और 2 + 10 तो यानी कि कितना हो गया, ये 12/7, है ना। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 5/7, है ना, ये 12/7 को हमने 1 + 5/7 लिख दिया, है ना। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 31 + 5/7, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 31 सही 5/7। तो यही क्या हो जाएगी, पूरे परिवार की औसत आयु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 सही 5/7, है ना। ये थे वेटेड एवरेज का कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक वेटेड एवरेज पे, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट अब जो है क्लियरली समझ में आए। देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है 15 लड़कों को एक कक्षा की औसत आयु 11 वर्ष है। तो देखिए मान लेते हैं क्या, ये नंबर लिखते हैं कि ये 15 नंबर है, तो इनकी औसत आयु कितनी है, इनकी औसत आयु 11 है। यदि 9 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए लड़के है ना, 5 नए लड़के आ गए 9 वर्ष की औसत आयु वाले, तो इनका अगर हम चाहें तो औसत निकाल लेते हैं 5 से 3 बारी में 5 से 1 बारी में शामिल होते हैं कक्षा में, तो कक्षा की औसत आयु अब क्या होगी। तो देखिए अब इसकी औसत आयु अब बतानी है हमको, तो हम यहाँ पे लेट मान लेते हैं कि एक औसत आयु 9 से बड़ी और 11 से छोटी, तो हम 10 मान लेते हैं। तो देखिए ये 10 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, वो भी 3 पे, ये कितना कम है, ये 1 कम है और वो भी 1 पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा +-1, अभी कितनों पे बटेगा, ये हमारा 3 और 1 4 पे, ये हमारा कितनों पे बटा, 4 पे, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/4, तो ये कितना आ जाता है, 1/2 को हम 0.5 आधा कहते हैं। तो पूरे क्लास की औसत आयु कितनी आ जाएगी, 10.5 साल इसकी औसत आयु आ जाएगी। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन 3rd हमारा सही उत्तर हो जाएगा 10.5 साल। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं इससे पहले का क्वेश्चन जो हमने वेटेड एवरेज का छोड़ा था। देखिए एक चीज यहाँ पे ये थी कि हम ये पूरी क्लास की औसत आयु निकाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट है। यहाँ कंसेप्ट क्या है कि पहले तीन एवरेज टेम्परेचर पहले 3 दिन का ये दे दिया है, नेक्स्ट 3 दिन का, तो एंटायर वीक का ये, तो हमें लास्ट डे का बताना। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि 1 हफ्ते का जो है एवरेज टेम्परेचर दे रखा है हमको, कितना, 1 हफ्ते का, है ना। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, ये कहता है कि पहले 3 दिन की औसत तापमान 27 डिग्री का, है ना। पहले 3 दिन का नंबर्स जो है यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, 27 डिग्री। अगले 3 दिन का जो एवरेज औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 29, है ना। ये 3, 3, 6 और लास्ट अंतिम दिन का एवरेज हमें निकालना है जो नहीं पता। अब यहाँ पे देखिए कि पूरे 7 दिन का जो एवरेज था ना, पूरे 7 दिन का औसत था, वो हमको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 28.5,
ठीक है ना, ये देखिए पूरे 7 दिन का, यानी कि ये अब हमें दे रखा है। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ये वैल्यू। अब देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए औसत से कितना ज्यादा है या कितना कम है। औसत से ये हमारा माइनस डेढ़ कम है, कितना कम है ये औसत से, माइनस डेढ़ कम है, और वो भी कितने पे, 3 पे। ठीक है, अब ये कितना ज्यादा है, ये आधा ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, आधा ज्यादा है, वो भी 3 पे। तो हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इसका भी औसत क्या था, एक सेकंड पहले इसको मिटा लेता हूं मैं, मान लेते हैं क्या इसका भी औसत क्या है, 28.5 इसका औसत। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज की कमी हो रही है हमें वो चीज यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, और जिस चीज की यहाँ पे बढ़त हो रही है वहां पे ये चीज कम करना पड़ेगा, तभी जो है बैलेंस आउट होके औसत जो आएगा वो 28.5 आएगा। ये है इसका कंसेप्ट। अब देखिए कैसे, यहाँ पे हमने मान लिया 28.5 हो गया, तो यानी अब इस पे कितने नंबर की कमी आ रही है, इस पे आ रही है 1.5 की 3 पे, तो यानी कि 4.5 की कमी आ रही है, तो हम यहाँ पे 4.5 बढ़ाएंगे ताकि पूरे पूरे जो 7 नंबर का औसत निकाला जाए तो वो 28.5 आ जाए। अब यहाँ पे आधे की यानी 3 पे, यानी कि 1.5 की क्या हो रही है, 1.5 की बढ़त हो रही है, यानी 1.5 औसत से ज्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे 1.5 को घटाएंगे ताकि हमारा जो ओवरऑल एवरेज है वो 28.5 है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा, ये हमारा 4.5 में से 1.5 जाएगा तो 3, तो ये 28.5 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमारा एवरेज आ जाएगा आखिरी दिन का टेम्परेचर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन थे वेटेड एवरेज के, ठीक है, ये गलती से पहले लग गया, बाकी ये जो क्वेश्चन थे पहले हमें ये करने थे, ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, फिर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिससे कि अब आपको समझने में भी मुश्किल नहीं होगी। यही है सिर्फ वेटेड एवरेज, इतना ही है। आप इससे लेकिन कई डिफिकल्ट जो कैलकुलेशन है एवरेज की वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा और बच गया, इसमें क्या कहता है, इसमें देखिए कहता है कि यदि 8 संख्याओं का औसत 15 है, तो यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो अब एवरेज का एक फंडा है, एवरेज का फंडा ये है कि देखिए जैसे मान लीजिए ये कुछ संख्याएं है ना, कितनी 8 बोली गई है, 4 4 4 है ना। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये एवरेज हो गया है ना, ये एवरेज प्लस प्लस, ओ सॉरी, ये एवरेज इसका ए मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर सब में 2 से हम गुणा कर देंगे है ना, सब में 2 से गुणा कर देंगे तो एवरेज क्या होगा। तो देखिए इसका एवरेज था ए है ना, इसका एवरेज कितना था, सम आ जाएगा 8a अपॉन नंबर कितना आ जाएगा 8a, तो एवरेज आ गया 8। लेकिन अब जो है इनका सम कितना आ जाएगा, अब इनका सम आ जाएगा 8 into 2a है ना, अपॉन कर देंगे 8a, तो ये कट गया, तो एवरेज आ गया अब इसका 2a, पहले एवरेज था a, अब आ जाएगा 2a, तो एवरेज भी दुगनी हो गई। तो पहले एवरेज अगर 15 था, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो 15 गुना 30, तो यानी कि एवरेज कितनी आ जाएगी, अब 30 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया गुणा में। अगर हम प्लस की बात करते हैं, अगर हम प्लस की बात करेंगे कि मान लीजिए सब में हमने 2 2 प्लस कर दिया सब में है ना, तो अब क्या हो गया, अब आ जाएगा 2 into 8 divided by 8, तो यहाँ 8 से 8 कट गया, तो एवरेज जो हो जाएगा वो +2 हो जाएगा। अगर हम माइनस कर देंगे है ना, माइनस कर देंगे तो एवरेज भी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यानी कि अगर पहले एवरेज 15 थी तो प्लस कर, अगर हमने प्लस किया होता तो एवरेज 17 हो जाती, और अगर पहले एवरेज 15 थी अगर माइनस किया होता हमने 2, तो एवरेज कितनी आ जाती हमारी, 13 हो जाती। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर दें तो मान लीजिए क्या कि मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे ले लें कि 7 नंबर नहीं, हम इसको 3 नंबर लेते हैं, कोई ऐसे 3 नंबर, ठीक है, इनकी एवरेज कितनी है 15। अब हमने क्या करा, हर एक नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया है ना, 3 से डिवाइड कर दिया, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कितनी, यहाँ पे नंबर कितना आ गया, 5 5 5, यानी एवरेज कितनी हो गई, 5, पहले एवरेज थी 15, एवरेज कितनी हो गई, 5, तो यानी कि एवरेज भी हमारी क्या हो जाती है, 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो वो भी हमारी डिवाइड हो गई। तो आपने चारों ऑपरेशन देख लिए कि चारों ऑपरेशन से क्या क्या हमारे एवरेज में फर्क आता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये था एवरेज का पहला पार्ट, इसके और क्वेश्चंस जो है और प्रैक्टिस हम दूसरे पार्ट में कर लेंगे। यदि सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए एग्जाम्पल चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।